हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ज्योति, आप सभी से मैं छोटी सी वीडियो लेकर के वापस से आ रही हूँ, जो कि आप लोगों को मेरा टाइटल देख करके पता चल ही गया होगा कि मैं किस रेसिपी की बात कर रही हूँ। तो हाँ, मैं अंडा पनीर की रेसिपी आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ, जो कि मैंने मम्मी से मैंने अपनी सीखी है। सो आप देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्यों बिकॉज ऑफ क्योंकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ की आप लोग को अपडेट मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। हाय गाइस, जैसे कि अंडा पनीर की मैंने रेसिपी बनाई है, इसमें कौन कौन सी सामग्री लगती है? अंडा, प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन। जैसे कि मैंने अंडे को निकाल कर सारा फोल्ड लिया था मैंने अपने घर के अकॉर्डिंग, उसमें प्याज और मिर्ची ऐड कर रही हूँ और उसको फिर मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको उस कुकर में पानी गर्म करने के लिए देना है, और सॉरी, उसमें नमक भी डालना है थोड़ा सा, और कुकर में पानी गर्म करने के लिए देना है। उसके बाद आप एक प्लास्टिक लीजिए, कैरी बैग, जिसमें आप वो अंडे को मिक्स करके उसमें डाल दीजिए और कुकर में कुक होने के लिए रख दीजिए। 2 से 3 सीटी देने के बाद आप उसको निकाल करके निकाल लीजिएगा। जैसे कि देख सकते हैं आप मैं कैसे कर रही हूँ। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत टेस्टी लगता है, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा ये रेसिपी को। ये मेरी मम्मा की रेसिपी है, मेरी मम्मा ने मुझे सिखाई थी। देख सकते हैं गाइस, मैंने पानी डाल दिया है। आप 1 गिलास से 1.5 गिलास पानी भी डालेंगे तो भी हो जाएगा। उसके बाद आप एक कैरी बैग लीजिए, जैसे कि मैंने ले रखा है। कैरी बैग लेने के बाद आप उसमें उसको डाल करके और उस पॉलिथीन को बांध दीजिए, ठीक है। बांध देने के बाद आप देखिए कि वहाँ कहीं से लीक ना कर रहा हूँ, नहीं तो उसमें जा करके फूटने का डर रहेगा। उसको बांध करके आप उसको कुक होने के लिए रख दीजिए। देख सकते हैं गाइस, आप पानी गर्म करके भी कर सकते हैं और ठंडे पानी में भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। कुक होने के लिए मैंने डाल दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस। अब मैंने एक लहसुन डाला, सॉरी, अदरक डाला है, 4-5 लहसुन की कलियां डाली है और जितने प्याज है उसको मैं मिक्सर में ग्राइंड करके निकाल लूँगी। और टमाटर को भी मैं वैसे ही ग्राइंड कर लूँगी, मैंने अपने टमाटर को भी वॉश कर लिया था, उसके बाद ही मैं उसमें मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैं जीरा और गोल मिर्च जो रहती है उसको मैंने सिलवट्टे पे पीस लिया है। देखिए, मैंने मेरा कुक होके निकल गया। अब मैं इसको पनीर जैसे कट करूँगी। सिलवट्टे पे पीसने के बाद आप देख सकते हैं मेरा मसाला वो तैयार मैंने रखा हुआ है। आप सारे मसालों को तैयार रखिए, जैसे कि देखिए ये भी मेरा तैयार हो चुका है, टमाटर भी मैंने ऑलमोस्ट काट लिया है, प्याज को भी मैंने तैयार रखा है। अब आप इसकी पनीर जैसे कटिंग कर लीजिए। आप इसको कैसे भी बना करके खा सकते हैं गाइस, अच्छा लगता है, जैसे पनीर रहता है, पनीर की भुर्जी बन जाती है। इसकी भी आप जैसे आपको इच्छा कर सकते हैं वैसे। आपको अगर इसकी कोई भी अंडे की रेसिपी अगर नई वाली चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं कमेंट बॉक्स तब मैं पढ़ के आपको ज़रूर उसका नया वीडियो बना के दिखाऊंगी। जैसे कि मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया है, उसके बाद मैं सरसों, तेज पत्ता, मिर्ची, सूखा लाल मिर्च डालूंगी, उसके बाद उसको होने दूंगी। आपके पास हींग हो तो हींग भी डाल सकते हैं, हींग से भी टेस्ट अच्छा आता है। बिकॉज ऑफ मुझे हींग पसंद नहीं है तो मैंने नहीं डाला है। आप अपने पूरे फैमिली मेम्बर को खा के बना के दिखाइएगा, अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मैंने रेसिपी ट्राई किया था तो अच्छा लगा। जैसे कि गाइज, ये मेरा हो गया है, आप देख सकते हैं गाइज, ये मेरा हो गया। इसके बाद मैं अपना ये डालूँगी,
प्याज का जो मैंने मिक्सचर ये बनाया था ग्राइंड करके, अब मैं उसे वो डालूंगी। उसको डालने के बाद गाइज आप देख सकते हैं उसको थोड़ा फ्राई करने पे, 2 मिनट फ्राई करने के बाद मैं उसके बाद मैं उसमें टमाटर मिक्स करूंगी, वो भी ग्राइंड किया हुआ। ग्राइंड किया हुआ टमाटर मिक्स करने के बाद किया है मैंने, देख सकते हैं आप गाइज। आप अपने आपके घर में जितने परिवार है उसके अकॉर्डिंग ही आप उसमें ये पानी डालिएगा, ज़्यादा पानी भी अच्छा नहीं लगता, मैं अपने घर के अकॉर्डिंग ही पानी डाली हूँ। इसमें हल्का सा नमक नमक दीजिए, उसके बाद हल्दी मिर्ची पाउडर, वही सारे जो अपने मसाले होते हैं, और एक मसाला वो मम्मी मेरी मम्मा ने बनाया था, तो अगर आपको उसका उस मसाले का वो चाहिए होगा तो आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं, मैं आपको उसका ये बताऊंगी, रेसिपी बताऊंगी कि वो कैसे बनाया था मम्मा ने। और हाँ, मैंने जो वो जीरा और काली मिर्च का मैंने जो सिलवट्टे पे पीसा था उसे भी ऐड कर देना है उसके अंदर, देख सकते हैं आप गाइस, क्योंकि सिलवट्टे पे पीसी हुई मसाले भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते नहीं हैं भी, टेस्टी लगता है गाइस। आप देख सकते हैं गाइस इसका तेल, जब तक तेल ना निकला है तब तक इसको फ्राई करते रहना है आप सबको। आपको लगे कि अब ये तेल मतलब छोड़ रहा है तो आप इसके अंदर अपने जो आपने वो किया है अंडे का वो काटा है आप उसको ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं गाइज मेरे मसाले में अब तेल छूटना शुरू हो चुका है। अब मैं इसके अंदर अपने अंडे का क्यूब्स डालूंगी। ट्रस्ट मी गाइज, आप ऐसे भी खाओगे ना बना करके तो भी अच्छा लगेगा, और बिना पानी ऐड किए भी रखोगे ना तो भी अच्छा लगेगा, और पानी ऐड करोगे तो भी अच्छा लगेगा। आप इसको रोटी के साथ खा सकते हो, पूरी के साथ खा सकते हो, किसी के साथ भी बहुत अच्छा ये लगेगा, और सबके साथ ये जा सकता है। और घर में कोई ये आए गेस्ट आ गए आप उनको भी ये रेसिपी बना करके खिला सकते हैं। आप पैसे भी सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है, इसीलिए इसका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी। जैसे कि ये थोड़ा फ्राई हो चुका है तो आप पानी ऐड कर सकते हैं अब, और आप 2-3 मिनट इसको फ्राई करने के बाद इसमें पानी ऐड कर दीजिए अपने घर ये परिवार के अकॉर्डिंग कि कितने आपके घर में लोग हैं। मैंने तो ज़्यादा पानी भी नहीं डाला था, ज़्यादा सूखा भी नहीं रखा था, मेरे को अब मेरी आदत है गाइज मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती हूँ, मैं देखती हूँ कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए ना ही कहीं कम ना हो जाए। क्योंकि ये पानी थोड़ा सूख जाएगा तो आप इसको सर्व कर सकते हैं, जैसे कि ये मेरा बन चुका है और ये बनने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, अगर आपको पसंद